एक बात पूछनी थी, अगर घर में नमक ना हो तो सब्जी में नमक डाल दोगे तुम? नहीं डाल पाओगे ना, नमक चाहिए ना सब्जी में नमक डालने के लिए। अरे जब YouTube पे रिएक्शन ही अवेलेबल नहीं है खान सर की वीडियो पे, तो मैं कैसे मिक्स रिएक्शन बना दूं? कम से कम पिछले 2-3 दिन से जब से खान सर ने वीडियो डाली है, रिक्वेस्ट आई जा रही कि मिक्स रिएक्शन बनाओ, मिक्स रिएक्शन बनाओ। अरे यार रिएक्शन ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे मिक्स रिएक्शन बना दूं? 2-3 रिएक्शन अवेलेबल थे तो उससे मिक्स रिएक्शन बन जाएगा बढ़िया। मिक्स रिएक्शन में कम से कम 7-8 तो रिएक्शन हो, देखने में कुछ मिक्स रिएक्शन वाली फीलिंग तो आनी चाहिए ना। तो ये भी अब कुछ अवेलेबल हो या तो मैंने मिक्स रिएक्शन बना दिया। तो देखते हैं आज मिक्स में सब रिएक्शन खान सर के नाम पे। यूक्रेन रशिया क्राइसिस, नाटो के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है। आप सबने से आधे ज़्यादा लोगों ने तो वीडियो देख ही ली होगी, और अच्छी बात है, खान सर की वीडियो सबको देखनी चाहिए। सीखना बहुत मिलता है, टीचिंग भी सीखने को मिलती है कि किस तरह इंसान इंटरेस्ट बनाए रखे, क्योंकि जो बीच बीच में जो फनी फनी बातें करते हैं ना, वो इंटरेस्ट बनाए रखती है स्टूडेंट का भी। तो देखते हैं फिर मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। देखिए, जय हिंद। यूएसएसआर जो टूट कर अब रसिया बना है और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है इसको समझते हैं। और आखिर यूएसएसआर पूरी दुनिया का इतना बड़ा देश कैसे बन गया? कैसे बन गया? यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, हाँ यूएसएसआर। इसी को शॉर्टकट में हम लोग पहले सोवियत संघ कहते थे। इसकी शुरुआत होती है 1917 में रूस की क्रांति में। रूस के राजा जार कहा जाता था, रूस के राजा को उस समय 1917 में जो जार थे यानी राजा थे उनका नाम था निकोलस द्वितीय। इनके समय भयानक क्रांति हो गई रूस की, जिसे हम वाल्सेविक क्रांति भी कहते थे। और इस क्रांति का जो नायक था वो लेनिन था। लेनिन जर्मनी में एग्जाइल पे था, वापस वो आ गया यहाँ पर, इस क्रांति को बहुत आगे बढ़ावा ले गया। और इस क्रांति के फलस्वरूप रूस जो था एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा संगठन गया सोवियत संघ। और सोवियत सोवियत संघ संघ की स्थापना यानी यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हो गई थी। और यह सबसे बड़ा देश बना और इसमें 15 छोटे छोटे देश मिलकर एक विशाल खंड का निर्माण करते थे, जिसमें यूक्रेन भी 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ था, जो अलग हुआ 1991 में अलग हुआ था। तो अब हम समझते हैं यूएसएसआर इतना बड़ा था। ये अभी इसमें ये सारे देशों को अगर हम शामिल कर लेते थे तो ये एक्स्ट्रा इतनी जमीन जो थी वो यूएसएसआर के पास थी। टूटने के बाद ये 15 देश टूटने के बाद भी 70% एरिया बच गया रूस के पास। यूएसएसआर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और रूस 15 देशों में टूट गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और रूस। 15 देश टूट गया, 15 हो गया, बनते रहिएगा। तो यहीं से टूटा यूक्रेन। 15 देशों में एक यूक्रेन भी था जो इसमें से अलग हो गया था। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था और वहां से लेके 2014 तक में सब ठीक ठाक चल रहा था। 14 में क्या हुआ, यहाँ के एक राष्ट्र जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था पेट्रो यानुकोविच। ये जो थे ये रूस के समर्थक थे। रूस कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि अमेरिका की एक चाल है इन यूरोपीय यूनियन में शामिल करता है उसके बाद उनको नाटो का सदस्य बना लेता है। नाटो के जितने देश हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं। अब उसमें सारे खतरनाक खतरनाक देश है, जैसे उसमें इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान इस साइड वाले नहीं है, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका वाले। उसमें फ्रांस भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है, अमेरिका, इटली, ये सब आ जाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में रूस ने मना किया यूक्रेन को जाने के लिए। हालांकि पेट्रो जो थे रूस के समर्थक थे, लेकिन जनता चाहती थी वो यूरोपीय यूनियन में जाए। जनता लास्ट मोमेंट पर पेट्रो ने अपना डिसीजन बदला, जिस वजह से यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने वाली जनता जो थी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति का विरोध कर दी, जिस वजह से ये 2014 में भाग के यूक्रेन में चले गए, रूस में चले गए। रूस में चले गए। यहाँ एक सरकार आई जो इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने के लिए हामी भर दी, जिससे रूस नाराज होकर यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया अपने हमला करके ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ रूस को, ये एजोब सागर पर कंप्लीट कब्जा हो गया, कंप्लीट कब्जा, अपनी नौसेना से कब्जा कर लिया क्रीमिया का। क्रीमिया पर कब्जा जब हुआ 2014 में पूरी दुनिया देखते रह गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया रूस के खिलाफ और इस क्रीमिया द्वीप पर कब्जा हो गया। और नीचे जो काला सागर है, क्रीमिया के नीचे जो सागर है काला सागर, यहाँ पर इजिली रूस का वर्चस्व स्थापित हो गया। अच्छा। उस समय भी पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे और दुनिया के जो 8 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश है जिन्हें G8 कहा जाता है, नक्शा से देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बीच में 4 देश याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये याद रहेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप में यही 4 फेमस देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। 2 ऐसे 4 ऐसे हो गया, 2 इधर से रूस, जापान, और 2 इधर से कनाडा और अमेरिका। कनाडा, अमेरिका, रूस, जापान और बीच में जर्मनी, यहाँ पर इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 8 देश थे G8। इसमें से 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया सब। रूस को निकाल G8 जो था वो बच गया G7। तो G8 अब नहीं रहा,
क्रीमिया की वजह से ही, यूक्रेन की वजह से ही ये मामला अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा विवाद हो रहा है, ये चलते आ रहा है 2014 से ही चलते आ रहा है। तो वो हो गया G7 हो गया, जिसमें से रूस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2015 में मिन्स एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा कि भैया हम लोग अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि यूरोप तथा अमेरिका का प्रभाव यूरोप में बढ़ने न दे। लेकिन सब गड़बड़ कब हो गया, जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 30 देश आ गए हैं, ये 30 शक्तिशाली, कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जितने खतरनाक देश है सब है। और ये मेनली रूस को काउंटर करने के लिए। और इस नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि नाटो के 300 देश किसी को मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 300 में से किसी एक को अगर कोई दूसरा देश मारेगा तो उसको मिलकर मारेंगे। अब बताइए, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है। यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य बनेगा, अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है। हाँ। अब बताइए कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ से टूटा है, उसके सिधाने ले आके दुश्मन को बैठाए और एक दूगो ने पूरा ग्रुप दुश्मनों को बैठाए। अब अमेरिका यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा, हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। अब पूरे 300 मिलकर मारेंगे, अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जो फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने। बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है, ये जरूरी है। अब देखिए नाटो में इतने देश है, ये जितने रेड कलर के हैं सब नाटो के देश। अब आप ही बताइए, यहाँ पर रूस है, रूस के सिधाने इतने दुश्मन देश है, रूस अगर इनमें से किसी एक को मारेगा ना तो ये सब मिलकर मारेंगे। रूस को तो पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान है नाटो वालों का। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने क्या किया, एक तो 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया। क्रीमिया पे हड़पने के कारण ये एजोव सागर पूरी तरह से रूस के कब्जा में आ गया। इसके बाद यहाँ डोनस तथा लुहांस, ये दो शहरों को, दो जगहों को विद्रोहियों को खड़ा किया और अपने सैनिकों को यहाँ भेज दिया। और वो सैनिक जो थे वो सादी वर्दी में थे और विद्रोह कर दिए और कहें, और रूस ने इसको मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है और इन अलग देश है। और यहाँ अपनी पूरी तरह सेना उतार दिया, इसमें पूरी तरह रूस की सेना आ गई। यहाँ रूस की सेना पहले से थी, रूस बहुत ही सावधानी से चल रहा था। ये ऊपर का देश है बेलारूस, यहाँ रूस अपनी पूरी सेना भरे हुए है ताकि इधर से हमला करना होगा तो कर ही देगा। ये रूस है, इधर से हमला आराम से कर देगा। और यहाँ से तो रूस घुस ही चुका है, क्रीमिया में पहले से कब्जा किया था, ये नौसेना लगा के यहाँ से चल जाएगा, चौतरफा हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर रूस। यूक्रेन को ये समझना चाहिए, आने वाले खतरों को भांपना चाहिए। दूसरे के दम पर आप किसी किसी ऐसे अब खतरा नहीं बोल सकते। दो सेकंड में मना कर ये लोग क्या कर सकते हैं, तो ये अमेरिका तरह की प्रतिबंध लगाएंगे, नाटो का धमकी दे रहा है इसको। भैया नाटो का अगर सदस्य बन जाएगा यूक्रेन तब तो बवाल हो जाएगा वहां पर। यहाँ दो एरिया जो है उस पर रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लुहांस और डोनेस, इसे डोनबास रीजन भी कहा जाता है। अब इस पे इजीली रूस क्या करेगा, यहाँ से हमला कर देगा। अब आप कहेंगे यूएनओ ने क्यों कुछ नहीं किया, तो यूएनओ को अमेरिका ने खुद एक ऐसा कठपुतली बनाया है कि अमेरिका यूएनओ का यूज करके किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आज उसी का फायदा रूस उठा लिया। कैसे उठाया, समझिए ध्यान से। यूएनओ का एक नियम है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई देश से कोई छोटा सा राज्य टूटकर अलग होना चाहता है, उसे स्वतंत्रता है, और अगर वह देश उस पर अत्याचार कर रहा है तो पड़ोसी उस पर मदद के लिए जा सकता है। नहीं समझे, अब समझिए कैसे होता। ये रूस ने इन दो देशों को मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है, अलग देश है, अलग देश है। और आर्टिकल 7 यूएनओ का कहता है कि किसी भी देश की मदद के लिए दूसरा देश आ सकता है। यहाँ पर स्वतंत्र देश की मान्यता दे दिया, यहाँ किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठा दिया और उसने लेटर लिख दिया किसको, रूस के राष्ट्रपति को, कि हमें सैन्य मदद दीजिए। और इसके सैन्य मदद के आधार पर इस पर हमला कर दिया यहाँ पर। और कह रहा है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, युद्ध है नहीं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। यही तो किए थे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, यही तो अमेरिका ने किया था इराक में, यही तो अमेरिका ने माली में किया, यही अमेरिका ने सीरिया में किया, यही अमेरिका ने लीबिया में किया, यही अमेरिका मिस्र में किया था, यही अमेरिका वियतनाम में किया था, यही अमेरिका कोरिया में किया था। तो जब अमेरिका करेगा तो गलत नहीं है, रूस कर दिया तो गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 17, यूएनओ में कोई भी चीज बर्बाद, यूएनओ क्या कर पाएगा, एंटोनियो गुटेरेस फिलिस्तीन पिटाता है क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ, क्या कर लिया इन लोगों ने। तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे थे क्या कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। यूएनओ मतलब कुछ नहीं, तमाशा है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कह रही थी 16 फरवरी को सुबह 5 बजे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। अरे बैल है ही रूस, जब तुरा बता के हमला करेगा, उस दिन हमला करना भी रहता तो नहीं करता, पहले से पता। रूस ने क्या किया, उस दिन पीछे हट गया। पीछे भाई, समुद्र की लहरें अगर पीछे हटती है तो सुनामी की पहचान होती है, गधों को लगता है कि पीछे जा रहा है वहां पे। देखिए इसमें क्या था कि चीन का रूस से काफी अच्छा संबंध है, रूस चीन के बुलावे पे गया था वहां ओलंपिक के उद्घाटन पे, अब जाते ही ये कह दिया कि ताइवान चीन का भाग है, तो सोच सकते हैं रूस और चाइना में कितना अच्छा संबंध है। रूस से चाइना ने कहा था कि ओलंपिक हो जाने दो, विंटर ओलंपिक, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को खत्म हो गया, इस दिन लास्ट हो गया। और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 स्वतंत्र देशों की घोषणा कर दी। अब समझिए ये स्वतंत्र देश की घोषणा क्यों की गई है, ताकि UNO का आर्टिकल 7 का प्रयोग किया जा सके। और 23 तारीख को उन स्वतंत्र देशों ने लेटर लिख दिया पुतिन को कि हमें सेना की मदद किया जाए, और 23 तारीख को पुतिन ने क्या कर दिया, सेना से हमला। ये युद्ध है नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, इसके वजह से UNO के आर्टिकल 7 के वजह से। इस हिसाब से हम लोग भी पाकिस्तान में वहाँ पर जो बलूचिस्तान है वहाँ के लोग अगर लिख के दे देते हैं कि हमारी मदद कीजिए, तो हम लोग भी मार सकते हैं। आज UNO क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी हिसाब से UNO चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमला यहाँ पर तेज कर दिया गया, रूस ने इसके ऊपर हमला कर दिया यूक्रेन पर। हालांकि जब USSR का हिस्सा था और यूक्रेन का काफी विकास किया था रूस ने, अब देखिए कैसे, ये है आपका यूक्रेन, यूक्रेन का काफी विकास किया था, जितने भी उस समय के जहाज बनते थे MiG-21, आज भी MiG-21 यूक्रेन में ही बनता है, जितने पानी वाली जहाजे रूस के USSR के समय बनी सब यूक्रेन में, यूक्रेन के लोग आज इसको बनाना भूल गए हैं। हाल ये हो गया है जब यूक्रेन के युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, यूक्रेन के इंजीनियर जहाजे बनाना भूल गए थे, तुर्की को बोले कि हमारे लिए जहाज बना दो, ये तो यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन में काफी विकास किया था, यूक्रेन में ही प्रीपेड शहर बसाया गया था जहाँ चेर्नोबिल दुर्घटना हो गया था 1986 में, परमाणु दुर्घटना, उसकी राजधानी कीव के पास है। तो यूक्रेन में कोई भी देश इतना ज्यादा लगाव रखेगा और वो देश दूसरे देश को कहेगा कि नाटो सेना यहाँ लगा, तो भ्रष्ट करेगा। यूक्रेन में आज भी 30% लोग रशियन भाषा बोलते हैं, पूर्वी यूक्रेन के लोग तो इजीली मान लेंगे कि वो रशिया के हैं, और रशिया इसको छोड़ेगा भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। यूक्रेन जो है आज भी जो सेना के हथियार बनते थे, टैंक वगैरह, वो रूस यूक्रेन में बनाता था, क्योंकि वो चाहता था कि 15 देश खुल के रखे। आज भी पाकिस्तान के टैंक जो है वो यूक्रेन के ही बने हुए हैं। यूक्रेन जब 1991 में यूक्रेन और 15 देश टूटे थे USSR से, तो यूक्रेन के पास लगभग 200 परमाणु बम थे। 1996 में NPT के समझौते के तहत यूक्रेन ने अपना 200 परमाणु बम वापस दे दिया, किसको, रूस को दे दिया। अगर ये परमाणु बम नहीं दिया रहता ना, तो ये मामला कुछ और रहता, समझ गए। तो ये परमाणु बम कितने शक्तिशाली है, कोई भी परमाणु संपन्न देश पर हमला नहीं करता है। सारा मामला 2014 से गड़बड़ाया था जब नाटो और यूरोपीय यूनियन ने एंट्री किया था। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स जो है वो गैस और पेट्रोलियम है, वो गैस की सप्लाई करता है। अब गैस सप्लाई पाइपलाइन से होती है, छोटे छोटे सिलेंडरों में नहीं होती है, और वो पाइपलाइन यूक्रेन के होते हुए यूरोप में जाती है, यूक्रेन में होते हैं। अब क्या है कि देखिए ये यूक्रेन का नक्शा है, इसमें इतनी सारी पाइपलाइन जा रही है। अब यूक्रेन ने 2014 में नाटो के दबाव में आके कहा कि तुम अगर इधर से पाइपलाइन ले जाओगे तो हमको सालाना $33 बिलियन पैसा दो। तो रूस ने कहा ठीक है दे देंगे, तो ससुरा $33 बिलियन तुम पैसों वो लोगे, नाटो में शामिल भी हो जाओगे, यूरोपीय यूनियन में शामिल भी हो जाओगे, और रूस से संबंधों नहीं रखोगे। तो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है ना, पानी में उतर के मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो मर के आइएगा। इसी बीच मेरा चचवा पहुंच गया रूस में। अब बताइए बेशर्मी की हद होती है कि रूस युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और ये जाके 10,000 करोड़ रुपया कर्जा मांग रहा था कि हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछाना है, बिछा दीजिए, भगा दिया इसको। जैसे ये कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपया मदद चाहिए, उसी समय रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब बताइए कोई गधा भी विद्या, तो इतना बड़ा ये प्रधानमंत्री होके गलती किया जितना हमारा कोई विद्यार्थी गलती नहीं करेगा। रूस देखिए इसका सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है पाकिस्तान का, वो यूरोपीय यूनियन से होता है या अमेरिका से होता है, इन देशों से होता है। इसे आर्थिक मदद में IMF देती है, वर्ल्ड बैंक देती है, जापान देता है, जो सब अमेरिका के फेवर में है। फिर भी ये अमेरिका के खिलाफ केवल जा रहा है मीटिंग करने के लिए, इसलिए क्योंकि जो बाइडेन ने जब से शपथ लिया इसको फोन नहीं किया है, तो उनको जलाने के लिए गया था। अरे गधा कहीं का, ये सास बहू का झगड़ा हो रहा है क्या कि तुम जलाने के लिए गए थे, 10,000 करोड़ गए थे मांगने, अमेरिका ने इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया, $4 अरब का पेनाल्टी ठोक दिया इनके ऊपर। बहुत अच्छा हुआ एक वो हाथ मिलाने गए थे, हो गया यहाँ पर कांड हो गया। अब दूसरा FATF में अब ये ग्रे लिस्ट से चल जाएंगे ब्लैक लिस्ट में, जिस दिन ब्लैक लिस्ट में चल जाएंगे ना बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे वहां पे। आज भी पाकिस्तान में 12,000 रुपए का गैस सिलेंडर पड़ रहा है,
12,000 रुपए में गैस सिलेंडर पड़ रहा है, जिस दिन ये FATF के ब्लैक लिस्ट में जाएंगे ना उस दिन ये 20,000 चल जाएगा। IMF पे अमेरिका का दबाव है, वर्ल्ड बैंक पे अमेरिका का दबाव है, अमेरिका घुसिया गया है ये मीटिंग देखकर कि चोट्टा तुमको इसी बीच में जाना था यहाँ पर। कौन गधा है रे तुम्हारे यहाँ सुरक्षा सलाहकार, ओकरा कोनो बुद्धि नहीं है क्या? इतना बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। इसने क्या किया है, सांड को लाल कपड़ा दिखाया मिला गया कि रूस ने राष्ट्रपति ने कहा था कि जो हमारे पास आएंगे उनको कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। दुनिया का सबसे महंगा टेस्ट इन्हीं का हुआ है, गए हैं RT-PCR टेस्ट कराए हैं, हाथ मिलाए हैं, मिला कुछ नहीं है, उल्टे 4 अरब रुपए का इनके ऊपर पेनाल्टी ठोक दिया। सबसे महंगा PCR का रेट इनका 4,000 करोड़ $4 अरब बन गया। अरे यार तुम्हारे देश की जनता सुन रही, तुम्हारे यहाँ कोई बढ़िया बताने बताने वाला नहीं है क्या? टीचर उचर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तो इसको 2-4 हाथ देने लायक है तो चलो बिगड़ गया है मेरा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि UNO में आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि भारत 2 साल के लिए UNO के अस्थायी सदस्य है यहाँ पर। अब इसमें भारत ने वोट ही नहीं दिया, कहा कि ना हम रूस की ओर से ना यूक्रेन की ओर से। रूस ने कहा थैंक यू भैया तुमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे। UAE ने कहा हम भी नहीं देंगे। अमरीका कह रहा है ये तुम काहे लिए ऐसा बोल रहा है। अब UAE ऐसे अरब देश ज्यादातर अमेरिका के फेवर में होते हैं, फिर भी UNO में अरब देश ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो समझिए इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए सऊदी अरब UAE जो है यहाँ पर स्थित है, UAE के नीचे यमन है, यमन में हैती विद्रोही है सब, और इन विद्रोहियों को ईरान का साथ प्राप्त है, ईरान का साथ प्राप्त है। अगर UAE रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस की दोस्ती है ईरान से, वो ईरान को फोन करेगा, ईरान हैती विद्रोहियों को फोन करेगा, हैती विद्रोही UAE को बजा देगा सब पकड़ के। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान के पास भी पेट्रोलियम है, रूस के पास भी पेट्रोलियम है, और UAE के पास भी पेट्रोलियम है। इन्हें दोस्तों को साथ में रख के पेट्रोलियम के लेवल को मतलब प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि इजराइल यहाँ पर सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दे ताकि रूस का ध्यान भटक जाए, लेकिन इजराइल ऐसा करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है, और यहाँ से अगर इजराइल को आगे बढ़ना होता है तो रूस से परमिशन लेना होता है, और अगर रूस से दुश्मनी लेगा इजराइल अमेरिका के चक्कर में आके तो रूस इनका भी उपाय कर देगा। सीरिया के बगल में है लेबनान, लेबनान में हिजबुल्ला नामक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला नामक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल की दुश्मनी है ईरान से, रूस कहेगा ईरान को कि तुम अपना सारा आतंकवादियों का हथियार सीरिया में भेजो। अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, और लेबनान में उस हथियार को लेगा हिजबुल्ला और वो मारेगा इजराइल को। इजराइल ने कहा कि देख भैया रूस जो है ना सबका उपाय रखा है, इस मिडिल ईस्ट में कोई चू चाय करता है ना तो रूस सीधे किसको करता है, ईरान को करता है, और ईरान सबको कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो भी ज्यूज यानी यहूदी है, और इजराइल भी यहूदी है। अब ये उसका मदद नहीं कर रहा क्योंकि भैया देश सर्वोपरि होता है, अपने देश को कह लिया हम रिस्क में डालेंगे हर देश यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो EU तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहाँ के लोगों को सफर करना पड़ता है, वहाँ के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं, हम उनके लोगों की भावनाओं इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े हैं वहाँ पर, आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहाँ पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है ये, और जो बेचारे बूढ़े हैं बच्चे हैं वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाकर रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए, किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो, रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना। ये वाली बात बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात गौर लगे कि अगर यूक्रेन आज आंसू नहीं बहाएगा तो कल यूक्रेन के वजह से रूस को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने, और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते आ रहा है। नाटो की जरूरत क्या है, आप 15-30 देश मिलकर किसी को मारेंगे यहाँ पर। यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश, हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है, देश तो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटेलिटी होती है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियां कहां सही जा रही है। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं, तो ये चीजें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था, हम लोग भी चाहते तो पाकिस्तान पर हमला कर देते, पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पर हुआ था, हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते, लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से, इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है, वो
वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है, वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को, यूक्रेन और को। कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया। तो व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है इन्हें वापस विड्रॉल करें, अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं इसे वापस ले जाए, ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है? वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे, इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं, इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए हैं यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है यहां से यहां ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा, नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा, सी वाला कुछ बचा ही नहीं। नौसेना इधर अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी, अब इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यू में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है, अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110 105 के पास चला जाएगा, जो सनफ्लावर जिसे रिफाइनरी वगैरह बनाए जाते थे वो 80% आता था यूक्रेन से, यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है, यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे, तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तात्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ मत चला जाए दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया, वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं, वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया, स्विफ्ट बैन लगा दिया। देखिए दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं, अगर आप देश के अंदर ही पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड लगते हैं, आप अगर ध्यान देंगे बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए तो IFSC कोड लगा होगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा, लेकिन ये IFSC कोड किसी देश के अंदर ही होता है, हमें बिहार तमिलनाडु कहीं भेजना है, लेकिन अगर हमें यहाँ से पैसा अमेरिका भेजना है उस समय IFSC कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे आता होगा, उन लोग को पैसे के लिए IFSC कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया, अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना ना डराओ कि उसके दिल से डर खत्म। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है ना हमें रूस की ओर झुकना है, हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह के न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ, हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पर हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पर चले आएंगे तो रूस चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसके पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है,
क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस, अब ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पारासेल आइलैंड लेगा, ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब बीच बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो, नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया 10 लाख करोड़ रुपए, जो हमारे सेंसेक्स है 5% सेंसेक्स नीचे चला गया, हमारा शेयर मार्केट यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में, ये आपस में जब तक दुनिया में ये दोनों देश है अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे कोई छोटका दूसरा चाइना, ये पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के दोस्ती दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है, ये किसी के नहीं होते ऐसा। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया, जब 370 लगा था तो इसमें साथ रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को, रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं, इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब करगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार है, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा। अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर आप चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है, तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज, दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज, मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है, कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बात बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए, मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी है, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, कुकर आए कि हमारे ब्याह में आना, कुकर हमारे ब्याह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने ब्याह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने ब्याह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है ना, हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है, मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए, बोलना रे रूस को, हम कुछ करें, हम तो खुद लड़ रहे हैं चाइना से, यहाँ पे हमला दोनों शांत शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो इस यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना, कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे? तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को
ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है रूस। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा रूस से, क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो। तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जीत पालने से कोई घास फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूक्रेन को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया। यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो तोड़ो फोड़ देंगे, क्या कर लेंगे लोग ये रूस। बहुत सारी डिटेल्स आधे घंटे से ऊपर की वीडियो में, तो इतनी सारी डिटेल्स थी कि यूक्रेन रशिया की लगभग पूरी कहते हैं ना ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ थी, नाटो का भी था, नाटो की जो नौटंकियाँ चल रही है वो सब भी था, और जो इमरान खान की जो फटकार लगाई उसका तो अलग ही मजा आ गया देखने का। तो ये कॉन्सेप्ट का यही बात है कि वो इंटरेस्ट सामने वाले में जाते हैं कि कैसे सामने वाले को इंटरेस्ट लाया जाए ताकि उसे सुनने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा तो सीखने में भी मजा आएगा, और याददाश्त के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि इंसान कभी भूलता नहीं है फिर वो चीज़ें। तो यही खान सर का बहुत बढ़िया स्टाइल है, इसलिए सबको पसंद है खान सर। आपको मेरे रिएक्शन देखना मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।